अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन नेहा एक आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दिखाना चाहता हूं जो मौत से भी खराब है, ऐसी आंखें जो रो तो सकती है पर महसूस नहीं कर सकती, ऐसे होठ जो हंसना तो दूर हिल भी नहीं सकते, वो भी किसी की बहन है, बेटी है, लेकिन उसकी मां उसकी जिंदगी के लिए नहीं, उसकी मौत के लिए दुआ करती है। उस मां से मिलाना चाहता हूं, चलोगी मेरे साथ? दोबारा तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, एक बार फिर तुम्हें छोड़े खुद वापस आऊंगा, प्लीज प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। आइए डीएसपी साहब, अब उसकी हालत देखी नहीं जाती, उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, दे दो उसे भी जहर ही दे दो। उस हत्यारे ने अगर भावना के साथ इसे भी मार दिया होता तो ये रोज रोज की मौत तो नहीं देखनी पड़ती। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। प्रीति, हो जाएगा माँ जी। मुझे झूठी तसल्ली मत दो, मैं जानती हूँ मेरी बेटी अब कभी ठीक नहीं होगी, और वो हत्यारा यूं ही लड़कियों की हत्याएं करता रहेगा और आजाद घूमता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना आपका कानून ना आपकी पुलिस। चुप हो जाइए माँ जी प्लीज। ये नैना है, भावना की बहन, ये देख सकती है, सुन सकती है, मगर कुछ बोल नहीं सकती। पिछले 6 महीनों से ये कोमा में है, अगर इसकी ये हालत न होती तो हम कभी तुमसे मदद के लिए नहीं कहते। भावना के साथ जो जो हुआ इसने अपनी आंखों से देखा है, उस किलर को भी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अब कोई उम्मीद नहीं है। चलो निया, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ाता हूं। नहीं, अब आप लोगों का मिशन मेरा भी है, मैं आप लोगों का साथ दूंगी। थैंक यू निया, थैंक यू वेरी मच। चलो निया, तुम प्लान तो ठीक से समझ गई ना? हाँ। जैसे ही तुम्हें कोई खतरा दिखाई दे इस मोबाइल से 9 नंबर प्रेस कर देना। सी। ऑल द बेस्ट। 9 नंबर प्रेस करते ही और मिनटों में हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, ओके? 9 नंबर रिमेंबर, ऑल द बेस्ट। वैसे भी हम हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, योर सिक्योरिटी इज ऑन हाई अलर्ट। अब मुझे मेरी नहीं उन लड़कियों की फिक्र है जो मेरी वजह से बच सकती है। Thank you. You'll be okay. Yeah. चलो।
नेहा 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 कहाँ चली गई थी तुम मेरी जान, आई मिस यू सो मच, हाउ कैन यू लीव मी लाइक दिस, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, यू कैन नॉट लीव मी लाइक दिस, तुम्हें कितना कितना मिस किया मैंने, कितना मिस किया। कल रात बिना बताए गायब हो गई थी, आज सुबह टैक्सी मंगा के नैनीताल चली गई, मुझे कुछ बताया भी नहीं, मिली भी नहीं और फोन भी नहीं किया। वो क्या है कि कल रात मुझे अचानक सर में दर्द होने लगा और आज सुबह डबराल साहब का भी फोन आ गया। फोन? हाँ, वो काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहे थे और फिर कुछ अजीब सी बातें करने लगे तो मेरा मूड ऑफ हो गया। और तुम चली गई? तुमने ये भी नहीं सोचा कि कितना परेशान हो जाऊंगा मैं? डबराल साहब ने कुछ कहा और सजा मैंने भुगती? पागलों की तरह दिन भर ढूंढता रहा तुम्हें, मैं रेलवे स्टेशन भी गया था लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगी, जरूर आओगी। नेहा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। क्या हुआ नेहा, कुछ परेशान सी लग रही हो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। तो फिर ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। ओके। वैसे एक बात है, तुम कुछ अलग से दिख रही हो, थकान ने तुम्हें और खूबसूरत बना दिया। I love you. Good night.